अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी। इसको हम बिल्कुल अलग तरीके के मसाले से बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसमें जो मसाले डले होते हैं उसका इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम भिंडियाँ ली हैं। ये फ़ाइन क्वालिटी की मैंने भिंडी ली है, इस तरीके की, ये देख सकते हैं आप। ये छोटी और बड़ी मैंने दोनों तरीके की भिंडियाँ ली हैं, छोटी भी हैं इसमें, इस तरीके की। तो इसको हमें करना क्या है कि ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी निकाल देना है, ये नीचे का भी हिस्सा निकाल देना है, और इसके अंदर हमें ये इस तरीके से छुरी से लेकर ये हमें चीरा लगा लेना है, ताकि जब हम इसमें मसाला फिल करें तो ये आसानी से भर जाए। तो ये मैंने 300 ग्राम ले रखी हैं और भिंडियों को हमने बीच से चीरा लगा करके रखा हुआ है। और मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, इसका जो फ्लेवर है भिंडियों के अंदर बहुत ही अच्छा आने वाला है। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, और सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। आप भिंडी के अकॉर्डिंग टेस्ट लें या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, इसका फ्लेवर भी भिंडी के अंदर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, क्योंकि भिंडी में हमें मसाले की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है। इसके अलावा हमने एक बड़े साइज़ की अनियन ली है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। एक लेमन लेंगे, लेमन का जूस यूज़ करेंगे, ताकि भिंडी के अंदर थोड़ा खट्टापन होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो सबसे पहले हम अपने मसालों को तैयार करेंगे। तो जो खड़े मसाले हैं हमारे, उनको हम हल्का सा दरदरा कूट सा लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो हम लेंगे सौंफ, ज़ीरा, और इसी में हम ऐड कर लेंगे तिल। ये थोड़े से तिल मैंने बचा दिए हैं, ताकि मैं इसको बाद में डाल दूं मसाले के साथ ही। और इसको हल्का सा हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, दिखता हुआ होना चाहिए मसाला। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है, और ये थोड़े से दिखते हुए हैं, यानी कि ये दरदरे कुटे हुए हैं। तो अब हम इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनने के लिए मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाला है। ये मैंने इस वाली चम्मच से 2 चम्मच तेल डाला हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे अनियन, और अनियन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अनियन का कलर हमारा गोल्डन हो चुका है, तो इसमें अब हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसी में हम ग्राइंड किए हुए मसाले भी ऐड कर देंगे। और तकरीबन 30 सेकंड के लिए इस मसाले को भून लेंगे, ताकि मसाले के अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और इसी में अब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, और इस मसाले को 30 सेकंड के लिए स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे, ताकि मसाले में से जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मसाले को तकरीबन हमने 30 सेकंड के लिए भून लिया है, और मसाले में से जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें लेमन का जूस हम इसमें डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और इस मसाले को ठंडा होने के बाद में भिंडियों में भर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और इस मसाले को हम ठंडा करके भिंडियों में भरेंगे। मसाले को हमने ठंडा कर लिया है, और जो तिल हमने बचाए थे वो इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। और मसाला हमारा इतना ठंडा हो चुका है कि इसको मैं हाथ से टच कर पा रही हूँ। तो अब हम अपनी भिंडियों को भर लेंगे। भिंडियों को भरने के लिए इस तरीके से मुँह खोलेंगे, और ये थोड़ा सा मसाला लेंगे, इस तरीके से लगा देंगे, और इसे दबा देंगे भिंडी को, थोड़ा सा इस तरीके से दबा देंगे, और इसी तरीके से हम भिंडियों को भरना शुरू करेंगे। इस तरीके से मुँह खोलेंगे, जो हमने चीरा लगाया है बहुत ही आसानी से भर जाती हैं, मगर इस मसाले का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। और इसी तरीके से हम अपनी सारी भिंडियों को पहले भर लेंगे। भिंडी को हमने सभी मसाले के साथ में अच्छे से भर लिया है, और अब ये भिंडी पकाने के लिए तैयार है। कढ़ाई में मैंने 1.5 सर्विंग स्पून के बराबर मस्टर्ड ऑयल को लेकर काफ़ी तेज़ गर्म कर लिया, उसके बाद में मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें तड़का देंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, और ज़ीरे को थोड़ा सा चटक जाने देंगे, और इसके अंदर हमने डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ते को भी हम हल्का सा फ्राई हो जाने देंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। करी पत्ता हमारा फ्राई हो चुका है, गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, और इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे।
इसके अंदर से अगर थोड़ा सा मसाला आपका निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भिंडियों को हमें चारों तरफ से अच्छे से पकाना है, क्योंकि भिंडी पकी हुई बहुत अच्छी लगेंगी। अब ये नहीं है कि हमने इसके अंदर मसाला भरा है तो भिंडी हमारी कच्ची होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे, लेकिन अभी हम तकरीबन 2 मिनट के लिए उलट पलट कर लेंगे भिंडियों को, ताकि भिंडियों में चारों तरफ से अच्छे से तेल कोट हो जाए। इस तरीके से हल्के हाथ से चलाएंगे, हल्के हाथ से हम इसलिए चलाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है वो निकल सकता है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसे चलाते रहेंगे एक एक मिनट के बाद में। भिंडी को तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए हल्के हाथ से भुनने दिया है, और इसे हल्के हल्के हाथ से हम चम्मच चला देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से पानी लेंगे ताकि पानी हमारा इक्वली सब में फैल जाए। इस तरीके से छींटा मारेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। स्लो फ्लेम से इसके अंदर तक ये बिल्कुल कुक हो जाएंगी भिंडी हमारी, इतनी हमें पकानी है। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, इसको कवर कर दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। हमारी भिंडी को स्लो फ्लेम पे पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि भिंडी हमारी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है। इसमें ऑयल जो था वो सेपरेट होने लगा है, और भिंडी हमारी एकदम से इसका कलर चेंज हो गया है आप देख सकते हैं, और इसका मसाला भी थोड़ा सा अलग हो गया है। तो मैं आपको दिखा दूं कि भिंडी हमारी बिल्कुल टेंडर है, ये मैं हाथ से ही दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए भिंडी हमारी एकदम से टेंडर हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे और इसको कर लेंगे 2 मिनट के बाद में डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार भरवा भिंडी बनकर तैयार है। आप इस मसाले के साथ में अगर भरवा भिंडी बनाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि ये बनती ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ और पराठे के साथ में। फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।